क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है एक अर्थ है अर्थ पे कोई एक पर्सन ठीक यहाँ पे अर्थ पे है मान लेता हूँ अर्थ का जो मास है एम है उसकी रेडियस कितनी है आर कैपिटल आर अब एक पर्सन यहाँ से जंप करता है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है लेट से यहाँ पे कोई पर्सन था ऐसे जंप किया और जंप करने के बाद इतने हाइट तक गया इतने हाइट तक वो जंप कर पाया

तो आपको पता है मास इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगर अर्थ का मास निकालता तो यहाँ पे कितना आता है अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा मान, मानते हुए पाई रेडियस अर्थ है कितनी है आर तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ये आ गया हमारे पास तो अर्थ के सर्फेस पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है उसको मैं स्मॉल जी मान लेता हूँ उसकी वैल्यू कितनी होती है जी इंटू एम जी क्या होता है एक्सलेशन जो ग्रेविटी सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एम क्या होता है मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ तो आ जाएगा जी इंटू मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो आर स्क्वायर तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता ये आर स्क्वायर है इट मीन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा जी इंटू फोर बाई थ्री पाई आर इंटू डेंसिटी ये आ गया हमारे पास जब उस प्लेनेट पे जाऊंगे तो मान लेता हूँ कि इस प्लेनेट में जो एक्सलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी हो कितना हो जाएगा हमारे पास देखो जी डैश फॉर्मुला क्या होता है अभी मैंने डेंसिटी के टर्म्स में देखा तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास को भी मैं मान रहा हूँ इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द प्लेनेट कितना गिवन है डैश डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट मान लेता हूँ गिवन है अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन इस प्लेनेट का जो रेडियस है आर डैश जो अर्थ की रेडियस है उसका वन सिक्स है मतलब कि आर बाई सिक्स है अगर अर्थ की रेडियस आप आर मान रहे हो तो इस प्लेनेट की रेडियस कितनी है आर बाई सिक्स एक चीज गिवन है इस प्लैनेट की जो डेंसिटी है है वो हमारे पास अर्थ की डेंसिटी का है. तो अर्थ की डेंसिटी मैंने रो मान रखा है तो प्लेनेट की डेंसिटी कितनी हो जाएगी रो इन थ्री बाई फोर कर दोगे थ्री फोर्थ है ना तो रो इन थ्री बाई फोर कर दोगे या इसको ऐसे लिख सकते हो जो हमारे पास इस प्लेनेट की डेंसिटी हो जाएगी रो इंटू थ्री बाई फोर्थ ये आ गया हमारे पास क्लियर थ्री फोर्थ रो सारी वैल्यू पुट कर दोगे, तो पे प्लेनेट कितना है अर्थ की डेंसिटी का थ्री फोर्थ है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे देखो, रो। क्या कैंसिल होगा ये टू बार जाएगा ठीक यहाँ से अगर मैं देखता तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास देखो जी डैस इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास फोर बाई थ्री इंटू कैपिटल जी इंटू पाई इंटू आर इंटू रो डिड बाई यहाँ जाएगा हमारे पास देखो फोर इंटू टू कितना हो गया एट आ गया तो प्लैनेट पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है जी डैश जबकि अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है जी तो अगर दोनों पे वो जंप करेगा अर्थ पे जंप किया कितनी हाइट तक एच प्लानट पे जंप किया कितनी हाइट तक एक्स तो दोनों केस में उसका जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि आपको पता है अगर हाइट जंप करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन होता है क्योंकि हाइट इंक्रीज करती है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में सेम होगा ठीक तो अर्थ पे गिन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है एम जी अगर एच हाइट तक गया है तो अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो एम जी एच अगर वही प्लेनेट पे गया तो मास तो सेम रहेगा प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी जी डैश हो चुकी है और कितना हाइट जम्प किया था एक्स तो यहां से अगर आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे मास से तो मास कैंसिल हो जाएगा यहाँ तो टू कि तो कितना आ जाएगा जी एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास देखो डैश डैश क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट तो यहाँ पे देखो अर्थ के सर्फेस पे या अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ किसके टर्म्स में वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में जो मैंने लिखा था तो उसकी वैल्यू आ रही है जी इंटू फोर बाई थ्री पाई आर इंटू रो ये हमारे पास जी की वैल्यू थी कहाँ पे अर्थ पे अगर वहां पे मैं जाता अच्छा इंटू एच से भी मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा हमारे पास एच प्लेनेट पे ड्यू टू ग्रेविटी कितना है जी इंटू फोर बाई थ्री पाई आर रो डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास देखो एक एक्स्ट्रा टर्म एट आया था तो डिवाइडेड बाई आप कर दो एट अब आप देख सकते हो क्या क्या, क्या कैंसिल होगा ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा नीचे भी है और हमारे पास देखो ऊपर भी ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया यहाँ से अगर मैं देखता तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आती है हमारे पास देखो एट ऊपर चला जाएगा एट इंटू एच के बराबर मतलब कि उस प्लेनेट पे अगर पर्सन जम्प करता तो अगर अर्थ पे एच हाइट जंप कर रहा है तो प्लेनेट पे कितना हाइट जंप करेगा एट एच क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि प्लान पे ग्रेविटी अर्थ के में एट टाइम अपॉन टाइम डिक्रीज हो जा रही है क्लियर तो अगर जी डिक्रीज होगा तो हाइट जो जंप करेगा वो हमारे पास ज्यादा होगा तो यहां से आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एट इंटू एच मीटर तो यहां से अगर वैल्यू सॉल्व करोगे मीटर 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 ये हमारे पास वैल्यू आएगी तो उस पे वो पर्सन जब जंप करेगा कितनी हाइट तक जा पाएगा जबकि अगर अर्थ लेके नीट आई आई टी तो सिर्फ़ और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरुशा. आज डाउनलोड करें डाउट न्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ